धर्म एक अफीम है। धर्मों की वजह से दुनिया में करोड़ों माताओं की कोख खाली हो गई और पता नहीं कितनी औरतें विधवा हो गईं। ऐसे ही भावुक वाक्यों से वामपंथी और तथाकथित नास्तिक आपके मन में आपके धर्म और आपके संस्कृति के प्रति जहर घोलते हुए देखे जा सकते हैं। ये वही वामी नास्तिक लोग हैं जिन्होंने पिछले 100 सालों में पूरी दुनिया में 10 करोड़ लोगों का नरसंहार किया है, और यह बात कोई संघी या मनुवादी ने नहीं कहा बल्कि इस सत्य से पर्दा उठाया है इन्हीं के लोगों ने, जो वामपंथ को छोड़कर वास्तविक मनुष्य बने। ऐसे ही लोगों ने द ब्लैक बुक ऑफ कम्युनिज्म करके एक पुस्तक लिखी जिसका अनावरण 2012 में फ्रांस में हुआ। इस पुस्तक में परत दर परत इन नास्तिकों और धर्म विरोधियों के एक एक षड्यंत्र को इन्हीं के बीच से निकलने वाले लोगों ने बेनकाब किया है। यहां पर उस पुस्तक की हम फ्री PDF वाली लिंक डाल रहे हैं, जिसको जरूरी लगे वो इसे डाउनलोड करके पढ़ सकता है। और एक बात मैं सभी आस्तिक मत एवं विचारधारा वाले लोगों से कहना चाहूंगा, अगर आप सबके सामने कोई भी नास्तिक ज्यादा उछल कूद करता हुआ आपको जरूरत से ज्यादा ज्ञान बांटे तो आप यह सवाल उससे जरूर करें कि चलो मान लिया कि धर्मों की वजह से दुनिया में करोड़ों माताओं की कोख खाली हो गई, चलो मान लिया कि हजारों औरतें विधवा हो गईं, लेकिन हमें यह तो बताओ सनातन धर्म की वजह से कितनी जाने गई, सनातन धर्म ने अपने धर्म प्रचार के लिए कितनों को मारा, भारत में रहने वाले सनातनी हिंदुओं ने धर्म प्रचार या धार्मिक उन्माद में कितने देशों पर हमले किए, इसका कोई डेटा, कोई आंकड़ा, कोई एथेंटिक स्रोत अगर वो दे सके तो उनसे जरूर मांगिए। यकीन मानिए ये कुतर्क जमात आपको इस परिप्रेक्ष्य में एक भी सबूत नहीं दे पाएगा। और इसके जवाब में रामायण और महाभारत का उदाहरण देता फिरेगा, जिसे कि वो खुद ही काल्पनिक कहता आया है। इसी परिपेक्ष में डॉक्टर शंकर शरण का साम्यवाद के अपराध पर बहुत अच्छा लेक्चर है। इस लेक्चर को आप YouTube पर भी सुन सकते हैं और इसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपके सामने कोई भी आकर तथाकथित अहिंसावाद का पाठ पढ़ाकर आपको आपके धर्म और आपकी संस्कृति के प्रति गुमराह करने का प्रयास करे तो तुरंत उसके मुंह पर ये दोनों लिंक चिपका दीजिए। फिर देखिए पूरी नास्तिकता और अहिंसा का छद्म मुखौटा वहीं घुस जाना है जहां से निकल के आकर के फड़फड़ाता रहता है।